नमस्ते दोस्तों, मैं मिस्टर सी एन वाघेला गुजरात गांव मांडल से आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम अडोब फोटोशॉप सेवन में पासपोर्ट साइज कॉपी किस तरह से निकाली जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। यहां क्लिक करने से ये बॉक्स खुलेगा और ओपन पर क्लिक करने के बाद आप जहां से फ़ोटो दाखिल करना चाहते हो वहां से आप फ़ोटो पसंद करके इस कॉपी को इस प्रोग्राम में डालेंगे। और ये जो सारा चित्र है उसे हमें इमेज में जाके अगर उसमें कुछ सुधार करना हो तो जाएंगे, अगर सुधार नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मगर इसका डुप्लीकेशन कर लेना ज़रूरी है। हमने कॉपी कर लिया और ये मूल कॉपी को बंद कर दी। अब देखिए ये बड़ी साइज है, इसमें से हमें छोटी साइज निकालनी है यानी कि पासपोर्ट साइज। तो यहाँ पर एक टूल दिया गया है जिसे हम क्रॉप टूल बोलेंगे और यहाँ पर हमने माप रखा है 1.5 इंच और यहाँ पर 2 इंच, इसका रिजोल्यूशन हमने 200 रखा है। अब हम यहाँ पर माउस के जरिए क्लिक करेंगे और फिर ये एडजस्ट करने के बाद डबल क्लिक करने से ये क्रॉप हो जाएगी, ये क्रॉप हो गया। अब ये छोटा सा चित्र है, उसे अगर हम सुधारना चाहते हैं तो स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। अब देखिए ये टूल जो है वो ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल को हम उपयोग करके यहाँ पर सिलेक्ट ऑल करेंगे, फिर कंट्रोल टी के जरिए हम उसे ज़रा अंदर जो है उसे हम प्रेस करेंगे इस तरह, ऊपर से अभी मैं इसको जूम करता हूँ तो कंट्रोल टी के जरिए हम इसे प्रेस करेंगे इनसाइड छोटा और इस तरह चारों ओर से हम उसे अंडर साइड, तो ये एक कॉपी बन गई। अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल डी के जरिए ये जो बॉक्स बना है, अब एडिट में जाके एक पैटर्न तय करेंगे। यहाँ पर डिफाइंड पैटर्न, इसका हमने नाम दे दिया है, फिर हम ओके कर देंगे। फिर फाइल में जाएंगे और न्यू में जाके यहाँ पर इसका जो माप है यहाँ पर हम 1200 रखेंगे और यहाँ पर 800 रखेंगे, 800। रिजोल्यूशन जो है हम 200 रखेंगे। ये हो गया। अब हम एडिट में जाके फिल में जाएंगे और यहाँ पर पैटर्न में ये फोटो क्लिक करेंगे, फिर इस यहाँ पर हम इसे डाल देंगे, एडिट में जाके उसे पेस्ट कर देंगे, फिल कर देंगे। तो इस तरह ये कॉपी बन गई। ये बिल्कुल
पासपोर्ट साइज की कॉपी है। अब इसे यहाँ मैंने जूम किया है इसलिए बड़ी लगती है, फिट ऑन स्क्रीन। तो ये इस तरह हम पासपोर्ट साइज़ की कॉपी बना सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक साथ 8 फ़ोटो एक ही कैनवास में आ गया। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से फोटोशॉप का उपयोग करना आपके लिए आसान हो जाएगा।